गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर 9 एयर अराउंड अस। ओके, चैप्टर 9 एयर अराउंड अस। दिस इज द कन्वर्सेशन बिटवीन अ मदर एंड हर सन। मॉम, व्हाई आर दिस पेपर्स फ्लाइंग अराउंड, यानी कि ये पेपर्स क्यों उड़ रहे हैं। द सन सेज टू हिज मदर, यानी कि अपनी मामा को बोलता है कि मामा ये पेपर्स क्यों उड़ रहे हैं। देन मदर सेज क्लोज द विंडोज, इट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही है इसलिए उसको विंडो को क्लोज कर दो। इट इज ऑल अराउंड अस, यानी कि एयर इज ऑल अराउंड अस, एयर हमारे चारों तरफ है। वी कैन नॉट सी एयर, हम एयर को नहीं देख सकते हैं, बट वी कैन ओनली फील इट, और हम केवल इसको फील कर सकते हैं। इट मूव्स ऑल लिविंग थिंग्स, यानी कि जब ये चलती है हम इसको फील कर सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, यानी कि सभी जो लिविंग थिंग्स है उनको एयर की नीड होती है ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए। ओके, एंड मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। व्हाट इज विंड, विंड क्या होती है, व्हाट इज विंड। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, यानी कि जो एयर मूव करती है घूमती हुई हवा उसको हम विंड बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, इट मेक्स द क्लाउड्स मूव एंड द काइट फ्लाइज। विंड का काम क्या होता है, देखो, इट मेक्स द क्लाउड्स मूव, विंड का काम होता है जो क्लाउड्स होते हैं उनको मूव करना, उनको चलाना। एंड काइट्स फ्लाइंग, और काइट को उड़ाना। एयर ब्लोज जेंटली इज कॉल्ड ब्रीज, देखो जो एयर बहुत ज्यादा सॉफ्ट आराम से चलती है उसको क्या बोलते हैं, ब्रीज। तो व्हाट इज ब्रीज, अब आइए इसको ब्रीज की, बी आर डबल ई जेड ब्रीज। व्हाट इज ब्रीज, एयर दैट ब्लोज जेंटली, एयर दैट ब्लोज जेंटली, जेंटली इज कॉल्ड ब्रीज, यानी कि जो एयर बहुत जेंटली बहुत सॉफ्टली चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीज। ओके, वेन विंड मूव्स वेरी फास्ट, जब हवा बहुत तेजी से चलती है तो इट इज कॉल्ड स्टॉर्म, स्टॉर्म बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, हम स्टॉर्म बोलते हैं। स्टॉर्म क्या होता है भाई, वेन विंड मूव्स फास्ट स्टॉर्म, वेन विंड मूव्स फास्ट इट इज कॉल्ड स्टॉर्म। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉर्म। नाउ नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर में क्या क्या खास बात होती है, क्या विशेषता होती है, प्रॉपर्टीज होती है एयर में, हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, क्या होती है एयर की प्रॉपर्टीज। सबसे पहले एयर के अंदर होता है वेट। नंबर वन, एयर हैज वेट, एयर हैज वेट एंड डज नॉट हैव एनी शेप। नंबर वन, वेट एयर में होता है, वेट एयर हैज वेट। ओके, एयर में वेट है। एयर हैज वेट, यानी कि एयर और इट डज नॉट एनी शेप, यानी कि कोई शेप नहीं होती। इसे जिस भी चीज शेप के कंटेनर के अंदर डाल दिया जाता है, जिस भी चीज के अंदर डाला जाता है वो उसी शेप की हो जाती है एयर। ओके चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट इज, एयर टेक्स अप स्पेस। एयर क्या करती है, स्पेस लेती है, स्पेस लेती है एयर। एयर टेक्स अप स्पेस, वेन वी ब्लो एयर इन टू अ बलून, यानी कि जब हम बलून के अंदर एयर को फिल करते हैं तो क्या होता है, इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द बलून, और ये बलून का स्पेस को फिल कर लेता है। यानी एयर हैज स्पेस, जब किसी भी चीज के अंदर ये फिल की जाती है तो उस स्पेस को कवर कर लेता है। ओके, एयर मूव्स इन आर डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में चलती है हमेशा, एयर जो चलती है डायरेक्शन,
है. नंबर थ्री, एयर मूव्स इन अ डायरेक्शन, यानी कि एयर एक ही डायरेक्शन में चलती है. द डायरेक्शन इन विच ट्रीज एंड ग्रास बेंड इज द डायरेक्शन ऑफ विंड, यानी कि जिस भी डायरेक्शन के अंदर ट्रीज और ग्रास झुक जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर हवा चल रही है. ओके चिल्ड्रन, एयर मूव्स इन अ डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में चलती है, और जब ट्रीज और ग्रास एक ही दिशा में एक ही डायरेक्शन में बेंड हो जाते हैं तो उस तो हम क्या कहते हैं कि एयर इसी डायरेक्शन में चल रही है. नेक्स्ट क्या होता है, मूविंग एयर हैज फोर्स. नेक्स्ट क्या है प्रॉपर्टीज की, फोर्स. मूविंग एयर में क्या होता है, फोर्स होती है. तो मूविंग एयर हैज फोर्स, मूविंग एयर में फोर्स होती है, ताकत होती है. स्टॉर्म कैन अप्रूट प्लांट्स, यानी कि जब स्टॉर्म चलता है, कैन अप्रूट प्लांट्स, यानी कि अप्रूट बाहर निकाल देता है प्लांट्स को, एंड कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. और जो क्या होता है, बिल्डिंग्स को और ह्यूमन बींग्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है जो ये एयर होती है. ओके चिल्ड्रन, नाउ दिस टॉपिक इज कंप्लीट. थैंक्स, हैव अ नाइस डे.